दोस्तों फाइनली आज हम और आप मिलकर डार्क सीजन 2 की कहानी को जानेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि सीजन 2 पहले सीजन से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों सीजन 1 में हमने विंडन शहर के चार फैमिलीज की कहानी जानी थी और इनकी कहानी 1953, 1986 और 2019 में रिवॉल्व हो रही थी। सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने पॉसिबली फ्यूचर भी देखा था लेकिन फ्यूचर की ईयर हमें कन्फर्म नहीं करी गई थी। नाउ वी टॉक अबाउट सीजन 2, यहाँ की टाइमलाइंस कुछ महीने बाद की है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम 1954, 1987, 2020 और 2053 के टाइम की बातें करेंगे। इनफैक्ट इस सीजन में हमारे सामने एक और टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की गई है विच इज 1921। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूं उसकी सीक्वेंस सीरीज में दिखाई गई सीक्वेंस से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अगर मैंने उस सीक्वेंस को फॉलो किया तो कहानी बिना मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगी और आधी बातें हमारे सर के ऊपर से जाएगी। एंड यस, मैं यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करूंगा ताकि हम इस वीडियो को एकदम क्लियर और सिंपल रख सकें। तो सीजन 2 की कहानी हर टाइमलाइंस में 6 महीने बाद की है और हम सबसे पहले June 21st, 2020 वाली टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। विंडन शहर में फिलहाल यासिन, एरिक, मिकल, जोनस और अलरिक गायब थे और इस बात से हैना और कैथरीना काफ़ी डिप्रेस्ड है। जहां हैना अपने घर पे बैठ के खुद के डिप्रेशन से जूझ रही थी, वहीं कैथरीना रोज विंडन केव्स के अंदर जाकर अपने पति और बच्चे को खोजने की कोशिश करती थी। मार्था और बार्तोस की ब्रेकअप हो गई है और रजीना का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था। इन सारी परिस्थितियों में रजीना के हस्बैंड अलेक्जेंडर टीडमैन भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को 6 दिन में हमेशा के लिए बंद करने वाले थे। तो एक दिन हैना अपने डिप्रेस स्टेट में खुदकुशी करने की सोचती है, लेकिन तभी हम व्यूअर्स वहां स्ट्रेंजर जोनस को आते देखते हैं। अब ऑब्वियसली हैना उसे नहीं पहचान पाती है, लेकिन स्ट्रेंजर पुरानी बातों का जिक्र करके ये प्रूव करता है कि वही जोनस है। हैना अपने बेटे को देखकर काफी खुश थी, जस्ट दैट जोनस वॉज मच ओल्डर नाउ। स्ट्रेंजर जोनस बताता है कि वो फ्यूचर से है और वो टाइम ट्रेवल करके 2020 में आया है। इस बात को प्रूव करने के लिए स्ट्रेंजर जोनस हैना को टाइम मशीन भी दिखाता है और इस टाइम मशीन को ये दोनों विंडन केव्स के अंदर ले जाते हैं, जहां से दे कैन ट्रैवल बैक टू 1986। वहीं दूसरी तरफ विंडन शहर में हो रही मिसिंग केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक न्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम क्लॉसन था। क्लॉसन विंडन शहर के कई लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ कोई भी इंसान अपनी सीक्रेट नहीं बता रहा था। क्लॉसन शॉर्ले के साथ मिलकर रेजिना टीडमैन से पूछताछ करता है और इस इंटरोगेशन में क्लॉसन वांटेड टू नो कि आखिर अलेक्जेंडर ने शादी के बाद रेजिना के फैमिली का सरनेम क्यों यूज़ किया। अब ऑब्वियसली रेजिना को ये सवाल बेतुका लगता है और वो इसका कोई जवाब नहीं देती है। क्लॉसन रेजिना की मदद से स्ट्रेंजर जोनस की स्केच बनवा लेता है और रेजिना क्लॉसन को वो सारी चीज़ें देती है जो कि उसने अपने होटल में स्ट्रेंजर जोनस वाले रूम से रिकवर किया था। इन चीज़ों में शॉर्ले को अपने ग्रैंडफादर की किताब की कुछ पेजेस मिलती है और वो फौरन ही इन पेजेस को यहाँ से उठाकर एब्रप्टली निकल जाती है। अब दोस्तों शॉर्ले डॉक्टर जो कि क्लॉसन के साथ काम कर रही थी, वो भी क्लॉसन से ढेर सारी बातें छुपा रही थी। शॉर्ले अपने हस्बैंड पीटर के साथ मिलकर अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहाँ ये दोनों अपने बंकर का इस्तेमाल करके सारे क्लूज को लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। इस काम में इनकी बेटी एलिजाबेथ भी मदद कर रही थी और एक दिन एलिजाबेथ को अपने ग्रेट ग्रैंड डैड के स्टोर में हर्मेटिक फिलोसफी की एक बुक मिलती है। इस बुक के अंदर एक ग्रुप फोटो थी जिसमें एलिजाबेथ नोआ को देख पाती है और इस फोटो के पीछे सिगमंडस क्रिएटस एस्ट के साथ साथ 1921 की डेट लिखी हुई थी। पीटर फौरन ही ये फोटो शॉर्ले को दिखाता है और ये लोग नोआ को 1921 में देखकर एकदम आश्चर्यचकित थे। एलिजाबेथ को यहाँ एक और पिक मिलती है जिसमें छोटी शॉर्ले अपने ग्रैंड डैड के साथ थी और शॉर्ले के ग्रैंड डैड और कोई नहीं बल्कि HG टेनहॉस थे। इन फोटोज को देखकर पीटर शॉर्ले से पूछते हैं कि क्या उसके ग्रैंडपा भी इस तरह के इवेंट्स में इन्वॉल्व थे। तो इस पर शॉर्ले का कहना था कि उसके ग्रैंडपा ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते थे। इनफैक्ट शॉर्ले को तो ये तक नहीं पता कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। दूसरी तरफ हम यूएस पुलिसमैन वॉयलर को देख पाते हैं और इस सीन में हमें पता चलता है कि वॉयलर का भाई और कोई नहीं बल्कि वही ट्रांसजेंडर था जो कि पहले पीटर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था। ये ट्रांसजेंडर एक ट्रक को गार्ड कर रहा था जिसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट थी और जल्दी इस वेस्ट को जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट सीजन में पुलिस को न्यूक्लियर पावर प्लांट की सर्च वारंट मिल गई थी और अलेक्जेंडर ने न्यूक्लियर वेस्ट को इसी ट्रक के अंदर छिपाया था। यहां से कहानी चेंज होकर सीधा 1921 में जाती है, जहां हम व्यूअर्स दो लोगों को विंडन केव्स के अंदर टनल खोदते वे देख पाते हैं। पहले इंसान के फ्रंट बॉडी पे एमरल्ड टैबलेट की टैटू थी और वो बंदा इस टनल को बनाते हुए काफी परेशान हो रहा था। दूसरा बंदा इस बात को समझ रहा था और वो पहले बंदे से पूछता है कि क्या उसे एडम और उसकी प्रोफेसी में भरोसा नहीं है। पहला बंदा कुछ क्लियर जवाब नहीं देता है और अगले ही सीन में दूसरा बंदा पहले बंदे को एक कुल्हाड़ी से जान से मार डालता है। अब यहाँ पहला बंदा कौन था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि नोआ है। जी हाँ दोस्तों, यंग नोआ 1921 में था और वो किसी एडम नामक बंदे की प्रोफेसी को मान रहा था।
इनफैक्ट यंग नोआ ने सिक मंडस कल्ट के साथ मिलकर ही 1921 के दौरान विंडन केव्स के अंदर टनल बनाया था, जिससे फ्यूचर में लोग टाइम ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास एडम की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम व्यूअर्स इतना जरूर समझ पाते हैं कि नोआ भी एडम के इशारे पे ही काम कर रहा था, एंड एडम इज द रियल मास्टरमाइंड। एडम की प्रोफेसी के मुताबिक पृथ्वी से नर्क का विनाश होगा और यहाँ हमेशा के लिए स्वर्ग की स्थापना होगी। इसके अगले ही सीन में हम व्यूअर्स ओल्ड नोआ को देख पाते हैं, जो कि अपने यंगर सेल्फ के साथ था। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड नोआ अपने यंगर वर्जन को ये समझा रहा था कि उन्हें एडम की बातों को मानना है और एडम सब कुछ सोच समझ के कर रहा है। यहाँ हम व्यूअर्स एडम को भी देख पाते हैं, जो कि थोड़ा अजीब दिखता था, और वो ओल्ड नोआ को किसी जर्नल की मिसिंग पेजेस को खोजने बोलता है। नोआ, जिसे अब तक हम सबसे बड़ा विलन मान रहे थे, वो एडम के सामने डरा हुआ सा दिख रहा था। एडम का कहना था कि 27 जून को 2020 वाली टाइमलाइन में एपोकलिप्स आने वाली है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही लास्ट साइकिल शुरू होगी। यहाँ सीन चेंज होकर 1987 वाली टाइमलाइन में जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स आइनस कैन वर्ल्ड को मिकल का ख्याल रखते देख पाते हैं। मिकल को अब भी अपनी टाइमलाइन की बातें याद थी, लेकिन आइनस मिकल को पूरी तरह से अपने साथ पालना चाहती थी। इस टाइमलाइन में पावर प्लांट की हेड क्लॉडिया थी, जिसके ऑफिस में एक दिन एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आती है। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि क्लॉडिया की ही ओल्डर वर्जन थी, जो कि फ्यूचर से अपने यंगर सेल्फ से मिलने आई थी। अब ऑब्वियसली यंग क्लॉडिया को इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, और इसीलिए ओल्ड क्लॉडिया कुछ इंस्टेंट फ्यूचर प्रेडिक्शंस करती है। इसके अलावा ओल्ड क्लॉडिया बताती है कि उसका कुत्ता ग्रेचन, जो कि 1953 में खोया था, वो यंग क्लॉडिया को 1986 में मिला, क्योंकि ओल्ड क्लॉडिया ने ही ग्रेचन को विंडन केव से 1953 से उठाकर 1986 वाली टाइमलाइन में रख दिया था। सी जस्ट वांटेड टू प्रूव हर पॉइंट कि वो एक्चुअली में ओल्ड क्लॉडिया है और वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। ओल्ड क्लॉडिया अपने यंगर सेल्फ को विंडन केव्स में ले जाती है, और उनका कहना था कि यंग क्लॉडिया का काम एडम को रोकने का है। वो यंग क्लॉडिया को कुछ ब्लूप्रिंट्स देती है, और उसके बाद वो टाइम मशीन की मदद से यहाँ से गायब हो जाती है। अब दोस्तों, ओल्ड क्लॉडिया ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अपने यंगर सेल्फ को उस रास्ते पे लाना चाहती थी जिस पे चल के वो एडम को रोकने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंजर जोनस अपनी मॉम हैना के साथ 1987 वाली टाइमलाइन में आ चुका था। इनके टाइम ट्रैवल करने से विंडन केव से आवाज आती है, जिसे सुनकर मिकल केव्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में मिकल को नोआ मिलता है, जो कि उसे वापस स्कूल जाने को कहता है। उसी दिन शाम में स्ट्रेंजर जोनस अपनी माँ हैना को मिकल दिखाता है, और ये देखकर हैना सब कुछ समझ चुकी थी। हैना को पता चल चुका था कि 2020 वाली टाइमलाइन से गायब हुए लोग किसी और टाइमलाइंस में पहुंच चुके हैं, बट वी एज अ व्यूअर्स थिंक कि क्या ये सारी बातें हैना को बताना सही था। एनीवेज, अगले सीन में हम व्यूअर्स इगोन टाइडमैन को देख पाते हैं, जो कि विंडन शहर में हो रहे अजीब चीजों की गुत्थी सुलझाने की सोचते हैं। अगर दोस्तों आपको याद हो, तो पिछले सीजन के 1953 वाले टाइमलाइन में इगोन को कुछ बच्चों की लाश मिली थी, और उसी टाइमलाइन में छोटा हेलगे भी गायब हुआ था। ठीक उसी तरह 1986 में मैड्स गायब हुआ था, और यहाँ एक अनजान बच्चा मिकल आया, जो कि खुद को फ्यूचर से बताता है। इगोन को याद आता है कि उन्होंने 1953 में एक अल्रिक नामक इंसान को गिरफ्तार किया था, और वो अल्रिक से 1987 में मिलने की सोचते हैं। दोस्तों, अल्रिक, जो कि 2019 से 1953 में अपने बेटे मिकल को खोजने आया था, वो उसी टाइमलाइन में हमेशा के लिए रह गया, और वो वहीं एज होकर 1987 में बूढ़ा हो चुका था। अल्रिक फिलहाल एक मेंटल असाइलम में था, जहां इगोन से मिलते हैं। ओल्ड अल्रिक का कहना था कि कुछ ही दिनों में इगोन की मौत होने वाली है, तो उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करना होगा। वहीं दूसरी तरफ यंग क्लॉडिया ब्लूप्रिंट पे मार्क्ड प्लेस को डिग अप करती है, और उसे वहां एक टाइम मशीन मिलती है। दरअसल ओल्ड क्लॉडिया 1953 में ट्रैवल करके इस प्लेस पे एक टाइम मशीन बड़ी कर दी थी, ताकि 1987 वाली क्लॉडिया वहां डिग करके उसे निकाल सके, जिससे उसकी जर्नी शुरू हो। दिस होल सीरीज इज फुल ऑफ सच पैराडॉक्सेस। एनीवेज, यहां से कहानी चेंज होकर 2053 में पहुंचती है, जहां हम व्यूअर्स जोनस को देख पाते हैं। 2053 की टाइमलाइन हमें पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को दिखा रही थी, जहां बंकर में जोनस को क्लॉडिया की कॉपीज और कैसेट्स मिलती है। इन कैसेट में किसी गॉड पार्टिकल के डिस्कवरी की बातें की जा रही थी, और वहां जोनस को पता चलता है कि अगर गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज कर लिया गया, तो कोई भी इंसान टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, जिससे ये टाइम लूप ब्रेक हो जाए। जोनस को ये भी पता चलता है कि विंडन शहर के ज्यादातर लोग एपोकलिप्स में मारे गए थे। अब दोस्तों, 2053 में विंडन शहर को एक काइंड ऑफ मिलिट्री ग्रुप चला रही थी, जो कि लोगों को एक पर्टिकुलर जोन में जाने से रोकती थी। इस जगह को डेड जोन के नाम से बुलाया जा रहा था, और जो कोई भी यहां जाने की कोशिश करता था, उसे ये मिलिट्री ग्रुप सबके सामने फांसी लगा देती थी। हम व्यूअर्स यहां देख पाते हैं कि ये मिलिट्री ग्रुप दो लोगों को इसी वजह से फांसी लगाती है, और वो दोनों लोग मरने से पहले ये बोलते हैं कि ग्रुप लीडर ने उस जोन में भगवान को बाकी लोगों से छिपा कर रखा है। अब जो इस मिलिट्री ग्रुप की लीडर थी, वो डेफ एंड डम्ब थी, और अगर आपको याद हो, तो 2020 वाली टाइमलाइन में एलिजाबेथ भी डेफ एंड डम्ब है।
यानी कि एलिजाबेथ समहाउ अपोकैलिप्स सर्वाइव कर गई थी और फ्यूचर में वो इस मिलिट्री ग्रुप की लीडर बन चुकी है। एलिजाबेथ के साथ हमेशा एक ट्रांसलेटर रहती थी जो कि लोगों की बातों को एलिजाबेथ तक और एलिजाबेथ की बातों को लोगों तक पहुंचाती थी। ये ग्रुप सिगमंडस क्रिएटस एस्ट को मानते थे और उनका यह भी मानना था कि अगले 6 दिनों में उनके सामने स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। यहाँ जॉनस वॉज क्वाइट क्यूरियस अबाउट व्हाट्स बियॉन्ड द वॉल इन द डेड जोन, मे बी व्हाइट वॉकर्स। एनीवेज, उसी रात जॉनस छुपते छुपाते हुए वॉल को क्रॉस कर जाता है और वो डेड जोन में एक अजीब सी चीज को देख पाता है, विच वॉज लुकिंग लाइक ऑब्सक्यूरियस फ्रॉम हैरी पॉटर। ये जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह लग रही थी और वहाँ इस अजीब सी चीज के आसपास कई मशीन्स थे। जॉनस इन मशीन्स को स्विच ऑन करता है जिससे ये अजीब सी चीज काइंड ऑफ स्टेबलाइज होकर एक गोल सा आकार लेती है, लेकिन अगले ही क्षण मशीन की फ्यूल खत्म हो जाती है जिससे ये चीज वापस से डीस्टेबलाइज हो जाती है। तो अगले दिन जॉनस इस मिलिट्री ग्रुप के टैंक से कुछ फ्यूल चुराता है और उसी रात वो वापस से वॉल क्रॉस करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में जॉनस को मिलिट्री ग्रुप की लीडर पकड़ लेती है और वो जॉनस को सबके सामने फांसी देने की सोचती है। फांसी से पहले जॉनस सबको चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि अगले 5 दिन में कोई स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलने वाला है। इनफैक्ट उसके टाइमलाइन में सभी लोग एपोकैलिप्स के कारण मारे जाएंगे, लेकिन कोई भी जॉनस की बात नहीं सुन रहा था। जॉनस को फांसी भी लगाया जाता है, लेकिन जॉनस के मरने के पहले एकदम लास्ट मोमेंट पे इस मिलिट्री ग्रुप की लीडर रोप को शूट करके जॉनस को बचा लेती है। वो जॉनस को एक काइंड ऑफ पिंजरे में लॉक करती है और हम जस्ट देख पाते हैं कि फांसी पे लटकने से जॉनस के गले पे गहरे घाव के निशान आ गए थे। उसी रात जॉनस से मिलने वही लड़की आती है जो कि ग्रुप लीडर के साथ साथ रहती थी और वो जॉनस को आज़ाद करती है ताकि जॉनस उसे डेड जोन दिखा सके। ये दोनों डेड जोन में जाकर मशीन को रीस्टार्ट करते हैं और वो अजीब सी चीज़ वापस स्टेबलाइज होती है। स्टेबलाइज होने के बाद जॉनस को स्फीयर के दूसरी तरफ एक अलग दुनिया दिख रही थी और वो इसके थ्रू टाइम ट्रैवल करता है। मीनवाइल दूसरी लड़की जॉनस को ये सब करते देख एकदम आश्चर्य में थी। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि वो अजीब सी चीज़ और कुछ नहीं बल्कि गॉड पार्टिकल थी और ये मशीन्स उस पार्टिकल को स्टेबलाइज करके टाइम डोर्स को ओपन करती है जिससे कोई भी इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है। पहले 2 एपिसोड्स की कहानी यहीं पे खत्म हो